Hallo फ्रेंड्स, हेलो लॉयटर, वेलकम टू जर्मन क्लास। आज हम पढ़ेंगे ट्रेंड बारे वेरबन, सेपरेबल वर्ब्स इन जर्मन। सेपरेबल वर्ब्स क्या होते हैं, कैसे इनको यूज़ करते हैं और क्या इनके रूल्स हैं, फंक्शंस कैसे करते हैं, सो आज हम देखेंगे इस असाइनमेंट में। आप देख रहे हैं ऊपर हेडिंग ट्रेंड बारे वेरबन, नीचे कुछ प्रिफिक्स हैं। अगर ये प्रिफिक्स होते हैं वर्ब में, जिस वर्ब के स्टार्टिंग में आउफ, आन, आब, आउस ये सब हैं, तो वो ट्रेंड बारे वेरबन होती हैं, सेपरेबल वर्ब्स होती हैं। मीन्स वर्ब्स स्प्लिट वर्ब्स कह सकते हैं, सेपरेबल वर्ब्स कह सकते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। सेकंड पार्ट को कॉन्जुगेट करते हैं और फर्स्ट पार्ट लास्ट में लिखते हैं। कैसे यूज़ करते हैं ये हम देखेंगे। कुछ सेंटेंसेस हमारे सामने। फर्स्ट सेंटेंस, इश मुस येट्स गेन द कॉन्फ्रेंस ब्लैंक उमाक टूअर ब्लैंक। ब्रैकेट में जो वर्ब है अनफांगन, ये एक ट्रेंड बारस वर्ब है, सेपरेबल वर्ब्स बोलते हैं। अनफांगन मतलब स्टार्ट, बिगिन। तो आन और फांगन, देखिए आन से स्टार्ट हो रहा है, सेपरेबल वर्ब है, तो आन लास्ट में लिखेंगे। तो लास्ट में आप आन लिख दीजिए, मार्क टू अर आन। और कॉन्जुगेट करना है फांगन को, कॉन्फ्रेंस डी कॉन्फ्रेंस टू तो फेंट, डी कॉन्फ्रेंस फेंट मार्क टू अर आन, थर्ड पर्सन है तो फेंट, ठीक है। इसी तरह से सेकेंड वर्ब है, सेकेंड सेंटेंस, अब इसमें ऑप्शन नहीं है। कुछ सेंटेंसेस में ऑप्शन है, कुछ में नहीं है। दो मुस्ट निस्ट कोकन, दो कांस्ट डिन किंडन, डो खाइने पिज़्ज़ा बाय पिज़्ज़ा सर्विस। सेंटेंस का मतलब है तुम्हें आज कुक नहीं करना है और तुम किड्स के लिए, बच्चों के लिए पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा सर्विस से ब्लैंक है ऑर्डर कर दो। तो यहाँ पे देखिए मोडल वर्ब का यूज़ हुआ है कांस्ट, तो जब भी मोडल वर्ब आएगा तो इन्फिनिटिव, ये जो सेपरेबल वर्ब है एज इट इज़ लास्ट में ही लिखा जाएगा, इसको अलग नहीं करेंगे, सेपरेट नहीं करेंगे मोडल वर्ब के साथ। तो ये आपका रूल है। तो मोडल वर्ब है डू कांस्ट, तो लास्ट में हमें वर्ब लिखना है अपने आप ही, कोई भी एक वर्ब, सेपरेबल अगर है तो ठीक है, नहीं तो नॉन सेपरेबल है तो वो भी लिखना है। तो यहाँ पे आएगा बेस्टेलन, बेस्टेलन है। अब बेस्टेलन सेपरेबल नहीं है क्योंकि उसका प्रिफिक्स है बी ई, ठीक है। तो मिक्स्ड हैं सेंटेंसेस। तो आज आपको कुक नहीं करना है और बच्चों के लिए पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा सर्विस से ऑर्डर करना है, ऑर्डर के लिए बेस्टेलन। नेक्स्ट है, दो ब्लैंक्स हैं यहाँ पे, तो आप समझ जाइए कि वो सेपरेबल वर्ब भी हो सकता है या फिर मोडल वर्ब, दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। ब्लैंक डू डेन म्यूलाइमर, ओके ब्लैंक। तो इसमें देखिए किस तरह से ऑप्शंस आएगा, ब्लैंक टू डेन म्यूलाइमर, म्यूलाइमर मीन्स डस्टबिन। सो एक वर्ब होता है आइन वेरफन, थ्रो इनसाइट, ओके। तो विर्फ टू डेन म्यूलाइमर आइन, और ये तो सूटेबल नहीं है, आप लिख सकते आइन काउफन, ये आप शॉप करोगे खरीदोगे म्यूलाइमर। सो काउफ टू डेन म्यूलाइमर आइन, क्या तुम म्यूलाइमर डस्टबिन खरीदोगे, क्वेश्चन मार्क है ना, उसका भी ध्यान रखना है। तो काउफ टू डेन म्यूलाइमर आइन, डू यू बाय डस्टबिन। और ब्रिंग्स टू डेन म्यूलाइमर मिट, मिट ब्रिंगन भी होता है, मिट ब्रिंगन मीन्स ब्रिंग अलॉन्ग, तो मिट ब्रिंगन है, तो बताया था मिट लास्ट में चला जाएगा और ब्रिंगन है, उसको कॉन्जुगेट करेंगे दूसरे, तो ब्रिंग्स टू डिन म्यूलाइमर मिट, क्या तुम डस्टबिन साथ में लाओगे, मिट ब्रिंगन मीन्स ब्रिंग अलॉन्ग। नेक्स्ट डू ब्लैंक जेर श्योन ब्लैंक, तो यहाँ पे वर्ब होती है आउस जेन, आउस और जेन मीन्स टू लुक और अपियर, तो आउस लास्ट में लिख देंगे हम आउस, और डू के साथ जेन को कॉन्जुगेट करेंगे तो बनेगा जीस्ट, डू जीस्ट जेर श्योन आउस, डू जीस्ट जेर श्योन आउस मीन्स आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो, आउस जेन मीन्स टू अपियर, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। नेक्स्ट है ब्रैकेट में वर्ब ऑलरेडी गिवन है अब होलन, अब होलन में अब और होलन दो पार्ट्स हैं, तो आपको लास्ट में लिखेंगे, होलन को कॉन्जुगेट करेंगे, इसका मतलब होता है पिक अप, टू पिक अप। तो इश होले डिश फ्रॉम फ्लुगाफन उम नॉइन ओवर आप, मीन्स आई पिक अप यू फ्रॉम द एयरपोर्ट एट 9 o'clock, मैं तुम्हें एयरपोर्ट से पिक करूँगा 9 बजे। तो इश होले डिश मीन्स आई पिक यू अप। नेक्स्ट है देखिए, उसमें भी ऑप्शन नहीं है और क्वेश्चन मार्क है, डू दाइनन किंडन होइटे आबेन आइन मेरशन। सो फोर लेजन आ सकता है, फोर लेजन एक वर्ब है जिसका मतलब रीड आउट, तो फोर हम लास्ट में लिख देंगे और लेजन को कॉन्जुगेट करेंगे दू से, लीज टू मीन्स क्या आप अपने किड्स को आज
इवनिंग में एक मेरशन मीन्स फेरी टेल रीड आउट करोगे, सुनाओगे. सो लीज टू दाइन किंगडम होइटे आवेन एंड मेरशन फोर, फोर लेजन मीन्स टू रीड आउट. तो फोर को लास्ट में लिखेंगे, सेपरेबल होता है, और लेजन को कॉन्जुगेट करेंगे. सिमिलरली जी इरन फाटर स्नेल वाइल जी क्रांकिस्ट, जी इरन फाटर स्नेल वाइल जी क्रांकिस्ट. तो इसमें भी दो ऑप्शंस हैं. जी मॉडल वर्ब भी लिख सकते हैं, जी म्यूस्ट इरन फाटर स्नेल बेजुखन मीन्स शी वॉन्ट्स टू विजिट हर फादर क्विकली बिकॉज शी इज सिक, शी इज सिक, और इट शुड बी एक्चुअली ही इज सिक बिकॉज फादर बीमार है, क्रांक है, तो शी वॉन्ट्स टू विजिट, फादर सिक है. नेक्स्ट देखिए आपत्रोकन, आपत्रोकन मीन्स टू ड्राई ऑफ. तो आपको लास्ट में लिखेंगे और त्रोकन को इस त्रोके डी वेशे आप, वेशे मीन्स क्लोथ्स, वॉशिंग क्लोथ्स, जिसे अभी वॉश करना है, ऐसे कपड़े जो वॉश करने हैं अभी, तो दैट इज कॉल्ड वेशे. आपत्रोकन मीन्स ड्राई. सो आप लास्ट में आएगा और त्रोकन को इश के साथ, इश त्रोके. तो ये सेपरेबल वर्ब्स होते हैं. मैंने आपको जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है कि कैसे ट्रेंड बारे वेरबन सेपरेबल वर्ब्स को यूज़ करना है. तो ऑप्शंस है, ये देख रहे हैं ऊपर हेडिंग में जो लिखा है टॉप में ऑप्शंस, अगर ये वर्ब्स इनसे स्टार्ट होती है तो प्रीफिक्स में, तो वो वर्ब सेपरेबल होती है 100%, कोई डाउट नहीं है. तो ये सारे प्रीफिक्सेस हैं, सेपरेबल वर्ब्स की पहचान होती है इनसे. तो जब भी आपको सेंटेंस में ये मिले स्टार्टिंग में, तो ये सेपरेबल होती है, स्प्लिट वर्ब्स होती है, जिसमें फर्स्ट पार्ट को लास्ट में लिखते हैं, ध्यान रहे, और सेकंड पार्ट को कॉन्जुगेट करते हैं पर्सन के अकॉर्डिंग. सो दिस इज़ द रूल फॉर ट्रेंड बारे वर्बन. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. सो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड हैव फन वाइल लर्निंग जर्मन विद अस. सो सी यू सून, बिस बाल्ड, चीयर्स.